से उसका डिजाइन लेके आई हूँ। तो इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की वूल ली है, एक मैंने पिंक लिया है और मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। तो देखिए 2 कलर में बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिजाइनर अंगूठे वाले सॉक्स बनाएंगे। इसको आप सॉक्स कहिए, बूटीज कहिए, शूज कहिए, जूती कहिए, स्लीपर कहिए, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। 2 कलर में मैंने इसको बनाया है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही ईजी है। इसको मैंने 5 नंबर साइज के लिए बनाया है। अगर आप इसको 5 नंबर साइज में बुनना चाहते हैं तो आप सेम इतने ही फंदे डाल के और बुनना स्टार्ट कीजिए। मैंने इसको यहाँ से बनाना शुरू किया है और यहाँ पर आके मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो मैंने इसमें यहाँ पे 90 फंदे डाले हैं 5 नंबर के लिए। अगर आप इसको 6 और 7 नंबर में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ ये जैसे 2 पार्ट बना के ज्वाइंट करके फिर मैंने इसको बनाया है तो टोटल 90 फंदे थे। अगर आप इसको 6 नंबर में 7 नंबर में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फंदे 90 की बजाय आप 98 या 100 फंदे डाल लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा और बहुत इजी भी है। जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। अंगूठे में डिजाइनर सॉक्स है तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। सब साइज का मेजरमेंट मैंने आपको बताया है। अगर आप 5 नंबर बुनना चाहते हैं तो सेम इसी साइज में बुन लीजिए। 4 बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 फंदे कम डाल लीजिएगा और 6 और 7 बुनना चाहते हैं तो 8 से 10 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो ये 6 और 7 बन जाएगा। 8 से 7 फंदे, 8 फंदे 10 फंदे ज़्यादा यहाँ पर डालेंगे तो बड़ा साइज बन जाएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। ये मैंने नॉर्मल ओसवाल कंपनी की वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिंक कलर से फंदे डालेंगे। तो फंदे यहाँ पर हम सिंगल धागे से डालेंगे इस तरह से। जितने फंदे डालेंगे उतना धागा हम सिंगल करेंगे और यहाँ पे फंदा बनाएंगे। ऐसे फंदा बनाने के बाद छोटे वाले धागे को अंगूठे पे लेंगे और बड़े वाले वर्क वाले धागे को उंगली पे, और यहाँ से इस तरह से फंदा बनाएंगे और ऐसे डालेंगे। अंगूठे वाले के यहाँ से डालेंगे, उंगली वाले का फंदा बनाएंगे, यहाँ से डालेंगे, उंगली वाले का फंदा बनाएंगे, इस तरह से फंदे डाल लेंगे। तो यहाँ पर हम 45 फंदे डाल लेंगे, यानी 45 फंदे डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से 45 फंदे डाल के और फिर इसको बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से फंदे डालेंगे और फंदे डालने के बाद हम यहाँ से पूरी रो को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से बुन लेंगे। ये सीधी तरफ से भी हमने पूरी फंदों को, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाया है ऐसे। और फिर बैक साइड में आएंगे, फिर यहाँ से भी हम सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो 2 सिलाई जब हम बनाएंगे तो हमारी एक धारी बन के आ जाएगी सीधी तरफ, एक धारी बन जाएगी बैक साइड में। तो दोनों तरफ से हम ये 7-7 धारियाँ बुन लेंगे, यानी 14 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनाएंगे उल्टा उल्टा। तो ये 45 फंदे डाल के मैंने इसी तरह से 2 पार्ट बुन लिए हैं और 7 धारियाँ ये बन के आई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 धारियाँ इसमें बनाई, 7 धारियाँ इसमें बनाई। अब ये 8वीं धारी को बुनते हुए यहाँ तक आ गई। दोनों में हमारे 45 फंदे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये फंदे अब हम बुनते आए, इसके अंदर हमारी 8 लाइनें बन गई हैं, सीधी साइड है, और ये भी हमारी सीधी साइड है। इसमें 7 धारियां हैं, अब इसमें 8 हैं। तो इसको यहाँ पर अब ज्वाइंट करेंगे।
यहां पर इसका दो का एक बनाएंगे। इस फंदे को लेंगे यहां पर लास्ट वाले को, ऐसे लास्ट वाला फंदा लेंगे। तो ये इस पार्ट का लास्ट वाला फंदा है। इस फंदे को लेंगे यहां से और इसको लेंगे यहां से, इसका दो का एक बनाएंगे इस तरह से। और अब आप इसको टाइट करेंगे यहां पर और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे, लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे और बैक साइड से भी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए आएंगे। तो ये सीधी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में, यहां से भी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए बैक साइड से पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आठ धारियां हमारी इस पार्ट में हैं और आठ ही धारियां हमारे इस पार्ट में हैं। दोनों पार्ट हमारे बराबर बन चुके हैं और फंदे यहां से ज्वाइंट कर लिए हैं। अब देखिए हमारे पास, हमने 45 फंदे यहां डाले थे, 45 यहां डाले थे, यानी 90 फंदे डाले थे। एक फंदा हमारे यहां पर कम हुआ जो हमने दो का एक किया, तो अब हमारे पास यहां पर 89 फंदे हैं, यानी 89 फंदे हैं। तो इसमें से हम सेंटर के तीन फंदे यहां पर रखेंगे, तीन फंदे, तीन भागों में इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे। तो 89 में से जब हम तीन फंदे निकालेंगे तो 86 फंदे हमारे पास बच जाएंगे। तो 86 के दो पार्ट करेंगे, हाफ यहां पर, हाफ हाफ फंदे यहां पर। तो 43 फंदे हम यहां पे करेंगे। तो ये 43 फंदे मैंने उतार लिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर, अब ये मार्कर है जो, इस मार्कर को भी हम यहां से निकाल लेंगे। इसको निकालेंगे और जो ये सेंटर के तीन फंदे हैं इनको भी हम इसी नीडल पे लेंगे बगैर बुने, ऐसे ऐसे बगैर बुने ले लेंगे। इस तरह से हमने ले लिए। अब यहां से बैक साइड में आएंगे और इस मार्कर को आप यहां से अब निकाल दीजिए। और अब यहां से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। यहां से देखिए सेकंड कलर लेके और इन, ये तीन फंदे थे जो, इनको बुनेंगे। इसकी यहां पे आप एक नोट लगा लीजिएगा ताकि फंदा लूज नहीं रहेगा। तो ये तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये हमारे सेंटर वाले फंदे हैं। अब हम यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए यहां से हमारा डिजाइन बनना शुरू होगा, सेंटर में फंदे बढ़ेंगे, यहां से फंदे कम होते जाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतारेंगे और ये दो फंदे बुन लेंगे, एक और दो। तो टोटल तीन फंदे हमारे ये बन गए। अब इस निडल के दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, ऐसे बैक साइड से दो का एक बनाएंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब जो ये दो का एक किया है इस फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे ही और ये तीन फंदे बुन लेंगे, एक दो तीन। अब ये आगे के हैं, इनका फिर से दो का एक करेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए इस फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे ही और ये जो बुने हुए चार फंदे हैं इनको बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की सोक से इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो ये बुने हुए फंदे हमने बना लिए इस तरह से। अब देखिए जो ये आगे के दो फंदे हैं इनका दो फंदे लेंगे और बैक लूप से ऐसे दो का एक करेंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब जो ये दो का एक किया है इसको स्लिप करेंगे और ये बुने हुए जो हमारे ब्लैक फंदे हैं इनको बना लेंगे। ये बुने हुए सभी फंदे बुन लेंगे। अब फिर आगे से दो का एक करेंगे।
एक बार बैक साइड से यहां से दो का एक होगा, जब सीधी तरफ आएंगे तो इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे और ये बुने हुए फंदे सभी बुन लेंगे। इतनी आसान सोक्स है कि जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो ये इस तरह से बना लिए। अब आगे के फिर से दो फंदे लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे। जब ये दो का एक फंदा करेंगे तो इसको यहाँ से बुनेंगे नहीं, नहीं इस फंदे को जो दो का एक यहाँ पे करेंगे, दोनों को दोनों तरफ से स्लिप करते जाएंगे। अब देखिए सेंटर में हमारे स्टार्टिंग में तीन फंदे थे, अब हमारे तीन, तीन छः और दो आठ, आठ फंदे हमारे बन गए हैं। तो दोनों तरफ से हमारे फंदे बढ़े हैं इस तरह से, दोनों तरफ से फंदे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से फंदे घटते जाएंगे। तो लास्ट तक हम सेम ऐसे ही घटाते जाएंगे। यहाँ से फंदे दो का एक करेंगे, एक बार यहाँ से दो का एक करेंगे तो सेंटर में हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे, जब हमारे लास्ट में दो फंदे यहाँ पर रहेंगे और दो फंदे यहाँ पर रहेंगे, तब तक इसको ऐसे ही इसी तरह से इस पार्ट को बनाते जाएंगे। सेम ऐसे ही करना है, यहाँ से इसको स्लिप करेंगे, फिर ये बुने हुए जितने फंदे हैं इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। सिर्फ उल्टी और सीधी सिलाई बनाते हुए जाना है और बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा डिजाइनर अंगूठे वाली सॉक्स बनके तैयार हो जाएगी। तो ये बुन लिए बुने हुए फंदे, फिर से आगे से दो का एक करेंगे ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए जो ये दो का एक फंदा किया है इसको बनाएंगे नहीं, इसको फिर से स्लिप करेंगे, फिर ये फंदे जितने बुने हुए हैं इनको बना लेंगे। सीधी तरफ से आएंगे दो का एक सीधा फंदा बनाएंगे, जब बैक साइड में जाएंगे तो दो का एक उल्टा फंदा बनाएंगे। तो ये फंदे मैंने बुन लिए। अब देखिए यहाँ से फिर से दो का एक करेंगे। तो सेम ऐसे ही करते हुए लास्ट तक हम सभी फंदे यहाँ तक बना लेंगे। सिर्फ दो फंदे यहाँ पे रखेंगे और दो फंदे इस निडल पे रखेंगे। तो इसको बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो ये पार्ट हमारा बन के कम्प्लीट हुआ। जब हम ये इस तरह से फंदे बनाते गए, यहाँ से फंदे घटते गए, सेंटर में फंदे बढ़ते गए, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर अब हमारे जब हम बुनते हुए आए तो यहाँ पर तीन फंदे हैं। तो अब देखिए जो यहाँ पर अब हम दो का एक करेंगे तो यहाँ एक फंदा बच जाएगा। लास्ट में आएंगे जब तो यहाँ पर हमको ये गैप भरने के लिए यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे। ये पिंक वाला फंदा ही यहां से उठा लेंगे इस तरह से, और इनका दो का एक करेंगे तो यहां पर आपको फिर गैप नजर नहीं आएगा इस तरह से। अब देखिए इन फंदों को फिर से ऐसे स्लिप करेंगे। तो अब देखिए दोनों तरफ अब हमारे पास दो फंदे यहां पर पिंक हैं, दो फंदे यहां पर पिंक हैं। अब हम देखिए यहाँ से पिंक कलर से बनाएंगे। तो अब पिंक कलर लगाएंगे और इस पूरी रो को हम पिंक से बुन लेंगे। पिंक से सीधा सीधा बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इस धागे को टाइट करेंगे ब्लैक वाले को और पूरी रो को ऐसे पिंक पिंक बुन लेंगे। इस तरह से लास्ट तक बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब हमारे पास टोटल यहाँ पर फंदे अगर हम काउंट करें तो देखिए दो दो करके गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, चौबीस दूनी अड़तालीस और एक उनचास, उनचास फंदे हमारे पास है ये 49। अब देखिए यहाँ से अब हम जैसे हमने ये नीचे बॉर्डर बनाया था इस तरह से ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो इस पूरी रो को हम सीधा सीधा बुन लें, पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे।
अब आ जाइए राइट साइड में। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने ये एक लाइन बनाई है ऐसे ही हम तीन लाइन और बनाएंगे, यानी चार लाइन हम ये पिंक से बनाएंगे। जब चार लाइन हमारी यहाँ पे चार धारियाँ बन जाएंगी तो फिर हम ये ब्लैक कलर लगाएंगे, फिर चार धारियाँ ब्लैक से बना के फिर फंदे इसके बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये आठ धारियाँ बनाऊंगी मैं, एक धारी बन गई है, चार धारी पिंक से फिर चार धारी ब्लैक से। तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आठ सिलाइयों का हमारा बॉर्डर बन के तैयार है। चार सिलाइयाँ हमने ये पिंक की बनाई है और चार सिलाई हमने ये ब्लैक की बनाई है। तो इस तरह से हमारा ये बन के आ गया है। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम इन सभी फंदों को लास्ट तक बाइंड ऑफ करेंगे, यानी बंद कर लेंगे। अब आ गए लास्ट में। तो ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। अब इस धागे को कट कर लिया है और इस फंदे के अंदर से इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे और नोट लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी ये बन के तैयार है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब देखिए सुई में धागा डाल लेंगे जिस कलर से हमने फंदे डाले हैं। तो यहाँ से धागा डाल के डबल धागा करेंगे और यहाँ से इस तरह से डालेंगे। अब देखिए जो ये चैन नजर आएगी इसके अंदर से इस तरह से धागा डालेंगे, फिर आगे वाले चैन में से डालेंगे। इस तरह से डालते हुए हम ये ऊपर की तरफ किनारे पे डिजाइन बनाएंगे। तो ऐसे लास्ट तक हम यहाँ तक इसी तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने लास्ट तक ये बना लिया। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लास्ट में आएंगे। जब ऐसे नोट लगा लेंगे इस तरह से और इस एक धागे को यहाँ से हम कट करेंगे, एक धागे को कट करेंगे, एक को सुई में रखेंगे और अब इसको सिंगल धागे से अब इसकी सिलाई करेंगे। ये सीधा हिस्सा है, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे और जितना हिस्सा सेंटर में है यहाँ पे इतना हिस्सा हम यहाँ पर बगैर सिला रखेंगे। तो यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से यहाँ पे नोट लगा के इस तरह से इसको यहाँ पे पक्का करेंगे। यहाँ पर पक्का करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक सिलाई कीजिए और फिर यहाँ लास्ट तक कीजिए। लास्ट में इतना आगे का पार्ट खुला रखेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। यहाँ से स्टार्ट की, ऐसे करते हुए यहाँ तक सिलाई की है। अब इस पार्ट को इस तरह से करेंगे, इस तरफ करेंगे। इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर नोट लगाएंगे सेंटर में और इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन इस तरह बना है। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।